हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 2.10, एग्जांपल 2.10, और यहाँ एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अगर हम कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो फार्मूला देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो उसका फार्मूला हमारे पास में है U is equal to 1/2 CV square, या फिर U is equal to Q into V by 2, या फिर U is equal to Q square divided by 2। तीनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, तीनों एक जैसे ही फार्मूला है, पर अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग हम फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.10 हम देखेंगे। अ 900 पिकोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी ए शोन इन फिगर, ओके, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। सो फर्स्ट पार्ट इज यू इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, सो यू इज इक्वल टू 1/2, सी का वैल्यू कितना है 900, पिको का मतलब 10^-12, इन टू 100 वोल्ट, सो 100 स्क्वायर, तो यू इज इक्वल टू मिलेगा, दैट इज 450, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 450 इंटू 10^-12, और ये प्लस 4, अल्टीमेट हमको मिलेगा -8, ओके, तो U इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10^-6 जूल, इतना एनर्जी स्टोर होगा। बी पार्ट हम देखते हैं, अगर हमने नाउ द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनादर 900 पीको फेराड कैपेसिटर, हमने यहाँ पर ये व्हील सेकंड वाला बी डायग्राम हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, तो नया एनर्जी की अगर हम बात करें, सबसे पहले बी पार्ट में हमको कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, और वो होगा Q1+Q2/C1+C2, है ना। जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं अनचार्ज कैपेसिटर या किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में फ्लो होता है, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जब तक फ्लो होता रहेगा तब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, तो कॉमन पोटेंशियल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर, Q1 का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ C1V1, Q2 यहाँ पर 0 है, डिवाइडेड बाई C1+C2, ओके, तो कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा C1V1, ओके, कॉमन पोटेंशियल हम देखेंगे तो C1 का वैल्यू कितना है 900, ओके, 900 इंटू 10^-12, और V1 का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 900 इंटू 10^-12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट 50 वोल्ट जो होगा वो कॉमन पोटेंशियल हमको मिलेगा, ओके, और अगर हम नए एनर्जी की बात करें, फाइनल एनर्जी की बात करें, तो वो होगा 1/2 C1+C2 का होल स्क्वायर इंटू V कॉमन स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1/2, इट इज़ 2 इंटू 900, यहाँ पे C1+C2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, C1+V2 VC का होल स्क्वायर, 900 इंटू 10^-12, और पोटेंशियल हुआ 50 स्क्वायर, ओके, तो 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास में यहाँ आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास 900 इंटू 2500 इंटू 10^-12, तो यहाँ पर 900 इंटू 25 हमको मिलेगा 225, ओके, इंटू 10^-12, और 40 यहाँ से मिल रहे हैं, मतलब कि -4 करना पड़ेगा, तो -8, दैट मच जूल, दैट इज़ द फाइनल एनर्जी। इसमें हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.25 माइक्रो जूल, ओके, माइक्रो जूल, थैंक यू।